हुंचो मतलब? हुंचो मतलब ओके ओके ओके। कहाँ भाग रहे हो आप? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आपका नाम क्या है? ओह, नीचे जो बोर्ड लगा हुआ था वो इसी मनस्टी के लिए लगा था। कहाँ से हैं? यूपी से हैं आप? पापा ने पहुंचाया। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सिक्किम में पहला दिन और पहली सुबह, भाई मौसम तो काफ़ी अच्छा है और रात को भाई हल्की हल्की ना बारिश भी आई थी। अब मेरे को पता लगा है ना कि सिक्किम में ना मानसून का सीज़न स्टार्ट हो गया है, अब बारिश स्टार्ट होने वाली है। तो मतलब यार आगे सिक्किम में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर बारिश आएंगी तो। कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अभी सुबह के ना 5:30-6 करीब बज रहे और जहाँ मैं रुका हुआ था ना, उन्होंने भाभी जी ने भी सुबह सुबह भी कोई चाय भी ला के दी है। वैसे मैं चाय कॉफ़ी अपनी बना लेता हूँ। अभी मैं बनाने के मैं सामान निकाला ही था कि इतने में भाभी जी कॉफ़ी लेके आ गई, चाय लेके आ गई। तो चलो चाय पीते हो, वेदर बहुत अच्छा भाई यहाँ का। आज ना मतलब सिक्किम में कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे एक्सप्लोर करना है उसकी भी प्लानिंग करनी है, ठीक है? क्योंकि ना थोड़ी बहुत प्लानिंग होनी चाहिए, मैंने अभी तक कोई प्लानिंग नहीं करी है। वैसे बस मुझे इतना पता था कि सिक्किम में 4 डिस्ट्रिक्ट है, चारों डिस्ट्रिक्ट मैंने एक्सप्लोर करनी है। 6 डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा ओके, सोरेंग ये नया डिस्ट्रिक्ट है, पहले तो ये था ना साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। ओके, अब सोरेंग बन गया नया डिस्ट्रिक्ट, पाकिम बन गया। पाकिम ओके। तो भैया जी बता रहे हैं कि 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे नई और बन गए, सोरेंग और पाकिम, ठीक है? तो चलो कोई बात नहीं, सोरेंग तो हम लोग आ गए हैं, थोड़ा बहुत सोरेंग देखेंगे। यहाँ पे ना एक जगह है, एक हिल टॉप है, वहाँ पे कोई बुरास का ना फेस्टिवल चल रहा है, तो शायद आज हम लोग उधर जाएं। और भाई कल रात को ना मैं कैंपिंग करने यहाँ पे आया था, जो पीछे वाला मेरे आप इलाका देख रहे हो ना, इसको हेलीपैड बोलते हैं। तो मेरे को किसी ने बताया था कि आप वहाँ चले जाओ, आपको वहाँ पे कैंपिंग के लिए अच्छी लोकेशन है। तो मैं जब यहाँ पे आया तो ये आप जो पीछे घर देख रहे हो ना, ये यहाँ पे इनकी दुकान है, एक फैमिली रहती है। तो मैंने इनको पूछा कि मेरे को वहाँ पे कैंपिंग करना है, मैं कर लूँ? तो उन्होंने बोला कि आप कर तो लो अपनी अपने रिस्क पे, लेकिन वो सेफ नहीं है, वहाँ पे रात के टाइम पे बाइकर्स आते हैं और स्टंट मारते हैं और लोग आते हैं, मतलब वहाँ पे रात भर 12-1 बजे तक 2-3 बजे तक लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। और वैसे ही हुआ भाई, फिर मैंने ना इनके घर के पास में यहाँ पे एक जगह थी, यहाँ पे मैंने कैंप कर लिया और काफ़ी अच्छी नींद आ गई और यहाँ पे बिल्कुल सेफ भी फील था। और साथ में ना मेरे को अपना चार्जिंग के लिए सब कुछ जुगाड़ मिल गया था, अंदर ही मैंने एक्सटेंशन वगैरह लगा लिया था। रात के मतलब ये लगा लो 12 बजे ना, मेरे टेंट में भी दस्तक होती है और इनके घर में भी, मतलब क्योंकि इनकी दुकान है यहाँ पे, तो रात को जो लोग दारू और पी के आते हैं, कभी सिगरेट मांगने के लिए, कुछ लेने के लिए, कभी कुछ लेने के लिए गीट बजाते रहते हैं। तो भाई वो कम से कम आधे घंटे तक गीट बजाते रहे भैया का, और उसके बाद गए वो, तब मुझको समझ में आया कि हाँ भाई ऐसे ही परेशान करते होंगे लोग। चलो कोई बात नहीं भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है, आप ठीक ही हैं? सिक्किम का वेदर बहुत अच्छा है आपका? हाँ, रहने वाला का तो बहुत अच्छा है और बाहर से आने वाला का भी अच्छा है। हाँ, किसके लिए अच्छा नहीं है? सभी के लिए ठीक है, सभी के लिए अच्छा है। चलो अपनी चाय वाय खत्म करते हैं, भाई साहब से थोड़ी बातें करते हैं, फिर आगे की प्लानिंग करते हैं। हेलो भैया नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया। कहाँ जा रहे हो दराती राती लेके? घास काटने के लिए। आप इधर ही गाँव के हुए? क्या बात है, कैसा लग रहा है हमारा टेंट? बढ़िया लग रहा है। आपका गांव भी बहुत खूबसूरत है, ठीक है? आपको इधर वेलकम है। धन्यवाद, थैंक यू। आपका नाम क्या हुआ? बिजोई। बिजोई छेत्री। छेत्री, सब छेत्री इधर। चलो बढ़िया, छेत्री जी आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, हैप्पी घास कटिंग। भाई जी मैंने अभी बैठ के टेंट में अपनी वीडियो वगैरह एडिट कर रहा था और इतने में भाभी जी आई अंदर से और कह रहे कि खाना बन चुका है, आप आके खाना खा लो। तो भाभी जी ने ब्रेकफास्ट ही बना दिया हमारे लिए बिना बोले और रात में डिनर भी बना दिया था। तो अभी खाना खाते हैं, देखते खाने में क्या बना है। गुड, ये क्या है? दलिया? दही। पसंद है आपका? ना पसंद, मैं सब खाता हूँ, सब चलता है। धन्यवाद। और हमारे साथ में बच्चे भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। तुम्हारे यहाँ पे लगा हुआ है चावल।
आपका नाम क्या है? अनुरिया, क्लास 10th। और आपका मैं नाम भूल गया, अर्पना। अर्पना क्लास 6th। ओके चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद वीडियो मेरी ना लगभग एडिट हो चुकी है, इधर से लाइट नहीं आ रही तो वही वीडियो ना मेरी लगभग एडिट हो चुकी है, मतलब 15-20 मिनट का काम रह गया। उसके बाद खाना खाते हैं, 15-20 मिनट में अपनी वीडियो एडिट करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं आगे के लिए। हमने अपना टेंट वेंट निकाल लिया है और गाड़ी में सब कुछ लोड कर दिया है। दीदी कहाँ भाग रहे हो आप? मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, वो अंदर भाग गए हैं। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आपका सिक्किम बहुत अच्छा है। ये इस गांव का नाम क्या है? दोदक। दोदक, ओके। तो भाई अभी चलने का टाइम हो गया, और ना मैं जहाँ पे रुका था ना, जिन भाभी लोगों के घर में, भैया भाभी लोग घर में, रात में मैंने यहीं खाना खाया था और सुबह भी मैंने यहीं खाना खाया। तो मैं अभी आया भाभी के पास में, वैसे इनकी दुकान है, ठीक है। मैंने बोला कि बिल कितना हुआ आपका, और ये पैसे नहीं ले रहे हैं, कह रहे कि आप हमारे गेस्ट हो, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। हाँ भाई भाभी अभी अंदर चले गए। तो अभी ना यहाँ पे मैं आपको रात में बता रहा था ना, एक यहाँ पे एक जगह है, क्या बता रहे थे? बरसे। यहाँ पे एक जगह है बरसे करके, वो ना गुरास के लिए फेमस है और ट्रैक करके लोग वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ मैं प्लान कर रहा हूँ, शायद वहाँ जाऊँ, अगर वहीं जाके मूड बनेगा तब पता लगेगा कि जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। क्योंकि यहाँ से पहले मेरे को हिले जाना है, हिले से फिर ट्रैक स्टार्ट होता है, तो वहाँ जाते हैं हिले पहले, फिर वहाँ पे डिसाइड करेंगे कि चलना है कि नहीं चलना, ठीक है। चलो भाई अपनी राइड स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। भाई साहब वेदर देखो, 12 बजे यहाँ पे कैसा वेदर हो गया है, पूरा फॉगी फॉग हो गया यार। तो भाई जी इस टाइम ना अभी हम सोरेंग में हैं, विजिट अगेन। चलो भाई सोरेंग से हम लोग बाहर निकल गए हैं। पता है मैं इस बार ट्रैवल कैसे कर रहा हूँ, मैं ना मतलब मेन हाईवे नहीं जा रहा हूँ, ये जो जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ ना मेन हाईवे नहीं है, ये अंदर के रास्ते हैं भाई। मेन हाईवे जाता तो मैं मतलब जो 2 दिन का मेरा रास्ता वो 1 दिन में कर लेता, और सिक्किम ना बहुत छोटा है, मैं सिक्किम को 3 दिन में कर लूँगा पूरे को, लेकिन मेरे को 10 दिन लगाने हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा अंदर जा रहा हूँ सिक्किम में। हम लोग कुल्लूक पहुँच चुके हैं, शायद वो सामने जो दिख रहा है ना वही कुल्लूक है। कुल्लूक भाई यहाँ पे ऊपर ना एक मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री में चल के आते हैं। अच्छा मोनेस्ट्री देख के तो लग रहा है कि मोनेस्ट्री चालू नहीं है अभी यहाँ पे। मोनेस्ट्री यही है, ये अभी बनी नहीं है। हाँ ओ, नीचे जो बोर्ड लगा हुआ था वो इसी मोनेस्ट्री के लिए लगा था। अच्छा इधर सारे लोग रहते हैं, मॉन्क्स वगैरह रहते हैं। तो ये क्या कुछ स्कूल कॉलेज वगैरह क्या है? ये कॉलेज है। तो ये सारे बच्चे लोग इधर ही रहते हैं? ये स्कूल होता है और कॉलेज का भी है, बच्चे लोग ग्राउंड है, आज छुट्टी है ना। अच्छा तो ये बच्चे इधर ही रहते हैं, इधर ही पढ़ते हैं? इधर ही रहते हैं बच्चे। तो क्या क्या पढ़ाई करते हैं इधर? इधर इंग्लिश, नेपाली, टिबेटियन। इसका कुछ हिस्ट्री है क्या इस जगह का? आपको नहीं, आप इधर के नहीं हो, यहाँ के? अच्छा उधर के हो। इनमें सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कौन है? सभी अच्छे हैं। विजिट ऐसे घूमने आए थे आप? इधर ही पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो आप इधर? इधर हाँ, इंग्लिश, नेपाली, तिब्बतन। तिब्बतन में मतलब रिलीजियस वो जो टेक्स्ट बुक होते होंगे उसके बारे में वो पढ़ाते होंगे? नहीं, दूसरा होता है हमारा। अच्छा ओके थैंक यू। क्या बोला आपने? हुंचा मतलब? ओके ओके हाँ बोलो बोलो।
मैं दिल्ली से हूँ। आप कहाँ से हैं? यूपी से हैं आप? और यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? तो यूपी से यहाँ पे कैसे? तो पापा ने पहुँचाया। आप यूके ही हो? आप यूपी के ही हो? तो इधर ही क्यों पढ़ना था आपको? कुछ पापा का मन था। और तुम्हारा? तुम्हारी मन था? मजा आ रहा है इधर? क्या पढ़ते हो इधर? थोड़ा आगे आओ। क्या नाम है तुम्हारा? विनोद। क्या? विनोद कुमार। अच्छा कुछ बताओ यहाँ पे क्या पढ़ते हो? तुमने वहाँ भी पढ़ाई करी होगी यूपी में ना? वहाँ पे तो स्कूल में पढ़ा सब्जेक्ट अलग होते होंगे, यहाँ अलग होते होंगे। यहाँ क्या सब्जेक्ट होता है? तिब्बतन होता है, नेपाली होता है। तो तुमको तिब्बतन लैंग्वेज आती है? हाँ। क्या क्या आता है तुम्हें तिब्बतन में? जैसे किसी का नाम पूछना, कैसे पूछते है? ये तो नहीं पता है, हम लोग को ज्यादा दिन नहीं हुआ है ना। कितना दिन हुआ है? 5 महीना हुआ है। 5 महीना? तो 5 महीने में कुछ तो सीखा होगा तिब्बतन में? कुछ नहीं सीखा। ओ चलो, अकेले आए हो? और भी भाई भी है? और लोग हैं। यूपी से ही? चलो बढ़िया। क्या नाम बताया तुम्हारा? विनोद। ओके विनोद, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, बाय बाय। भाई साहब ये कुल्लूक भी बहुत खूबसूरत जगह है यार। भाई सिक्किम में ना इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह है, लोगों को पता ही नहीं है। लोग वहीं घिसा पिटा शिमला मनाली कुल्लू एक ही जगह बार बार जाते हैं। अरे इधर आओ भाई, कितनी खूबसूरत जगह है यार। इधर टूरिस्ट नहीं है, इधर आपको शांति भी मिलेगी। बस ये कि थोड़ा टाइम आपको बस आने जाने में लगेगा। टाइम भी क्या यार, मतलब अगर वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है अब तो हर जगह, तो उससे तो आप एक ही दिन में पहुँच सकते हो कहीं भी। तो भाई जी हमने कुल्लू क्रॉस कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं दंतम की तरफ। दंतम लगभग अभी 18 किलोमीटर रह गया है। और सिक्किम का पिन कोड भी देख लो भाई साहब, ये गूगल मैप में बड़ी अच्छी सुविधा आ रही है भाई। भाई सामने मेरी स्पीड भी लिखी आ रही है, सब कुछ लिखा ही आ रहा है यार। दंतम पहुँचते हैं, 18 किलोमीटर है, एक घंटे में पहुँच ही जाएंगे आराम से, बातें बूते करते हुए लोगों से। राजा जी सामने देखो ऊपर, क्या खूबसूरत सा वाटरफॉल आ रहा है। और वाटरफॉल के अगल बगल में ग्रीनरी देखो भाई साहब, कितनी खूबसूरत है भाई साहब, एक नंबर मजा आ गया। रैंडम सा वाटरफॉल था। और ये जो सामने भाई साहब थे ना, ये काफ़ी देर तक रुके हुए थे, मेरे से बातें कर रहे थे, पूछ रहे थे कहाँ से आए हो, बड़े खुश हो रहे थे देख के। मतलब मैंने एक चीज़ देखी यार, यहाँ पे ना अभी मैंने बीच रोड में गाड़ी लगा रखी थी, लगानी नहीं चाहिए, मैंने साइड में फिर करी, पीछे से गाड़ी आई, गाड़ी वाले ने मतलब मुझे लगा गुस्सा करेगा कि तूने बीच रोड में गाड़ी लगा रखी, आके उसने मुझे स्माइल करके गया भाई। वो भाई जी हम लोग ना देंतम करके जगह थी वहाँ जा रहे थे, लेकिन बीच में ना कोई जगह पड़ी है वेलकम टू छायाताल, यहाँ पे लिखा हुआ है। मुझे नीचे कोई बता भी रहा था इसके बारे में कि ऊपर ना कोई लेक वगैरह है, क्या बोलते हो चलें क्या? चलो घूम के आते हैं। और बाइक जाती है पूरे ऊपर तक? बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई साहब, बता रहे रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्या करें, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? घायल सिंह डिस्ट्रिक्ट। चलो भाई भाई साहब, यहाँ के कुत्ते थोड़े अग्रेसिव है भाई साहब, नेपाल के कुत्ते बड़े शरीफ थे, यहाँ के कुत्ते, ये तीसरा कुत्ता है जो मेरे पीछे ऐसे भागा है, क्या चक्कर है भाई? यहाँ का तो मौसम भी ठीक है, फिर क्यों ये इतने खूंखार हो रहे हैं, किस बात के एग्रेशन है इनके अंदर? ये रोड कैसा है ऊपर? ये रोड ऐसे ही है पूरा? इससे भी खराब है? वो बाहर बोर्ड देख के आया था मैं छायाताल का, गड्ढे हैं क्या बड़े बड़े? ऐसा ही है तो चलेगा ज्यादा? इससे भी खराब है ऊपर। अच्छा थोड़ी दिन पहले तो बारिश हुआ था ना। ये तो अच्छा है इतना तो। ये अच्छा है। छायाताल? छायाताल, छायाताल ये रास्ता जाएगा। रास्ता कैसा है? रास्ता तो खराब ही है ये, लेकिन जाएगा भाई। ठीक चलो भैया, खराब है रास्ता लेकिन खराब की कोई इतनी टेंशन नहीं है।
भाई यहाँ के कुत्ते बड़े हरामी हैं यार भाई, सब पीछे भाग रहे हैं। अब ये देख, दोनों मेरे पीछे खड़े हो गए हैं मेरे को देख के, ये अब मेरे पीछे आएंगे जैसे ही मैं भागूंगा। भाई साहब इनका यही इलाज होता है कि अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे पीछे भागने वाले हैं या भाग रहे हो, गाड़ी रोक दो तुरंत ही, इनका बाप भी कुछ नहीं करेगा। ये लेक कितना आगे है, मैं गलत आ गया, चंदर लेक, छाया लेक, अच्छा मैं उल्टा जाना पड़ेगा, किधर से रास्ता था ठीक। वो स्टैचू, स्टैचू किसका है, श्री जंगा का स्टेच्यू है। वो कौन थे, श्री जंगा का स्टेच्यू है वो, कौन थे वो, वो एक इनकार्नेटेड था। ओके पहले, ओके ओके, आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओ दिल्ली, यस। अलोन, अलोन, नो फ्रेंड्स, नो, आई एम ट्रैवलिंग सोलो ऑन बाइक, यस यस यस। हाँ, ऑन रोड। Oh, meditation hall is also upside there. Okay. Meditation you hall. You can after walking this one, after looking this one, you can go to that place. Statue. Yeah. Okay. Rain starting. You can all visit. Okay. You can visit all the things. Okay. Okay. Thank you. You will be able to know everything. Okay. 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 Thank you. Okay. भाई जी यही है छाया लेक, छाया ताल, छाया लेक कुछ भी बोल लो। वहाँ पे भाई सब छोटी सी लेक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसमें मच्छी बहुत सारी हैं यार, ये देखो बहुत छोटी बड़ी मच्छी है, और रंग बिरंगी मच्छी भी है इसमें। और ये ऊपर बता रहे हैं, ये ऊपर स्टैचू है, यहाँ के किसी लोकल लेजेंड का स्टैचू है, और उनकी परछाई इस लेक में पड़ती है, इसीलिए इसको छाया ताल बोलते हैं। ऐसी कुछ ये जगह है भाई। वैसे भी ये लेक तो ना वैसे देखने में ऐसा लग रहा है कि आर्टिफिशियल लेक होगा, लेकिन यहाँ पे एक लोकल भैया वो बता रहे हैं कि ये ना नेचुरल लेक है। पहले बस ना वहाँ पे कोने कोने में लेक हुआ करता था, और फिर गवर्नमेंट ने थोड़ा इसको बढ़ा के थोड़ा बड़ा किया, लेकिन हुआ क्या कि 2011 में ना यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया था ना, जो नेपाल में जो बारपक लारपक हम लोग आपको लेके गए थे, तो उसकी वजह से यहाँ पे भी ना क्रैक आ गया था, तो उसकी वजह से गड्ढा हो गया, और ये सारा पानी जो लेक का है वो निकल रहा है यहाँ से, तो उसकी वजह से इसमें पानी भी आपको बहुत कम दिखाई दे रहा होगा। पहले इसमें बोटिंग वगैरह भी होती थी। जगह तो अच्छी है ये, और कैंपिंग के लिए यहाँ पे लोकेशन भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, देख रहे हो बारिश होगी, और यहाँ पे ना लोग वाग रहते नहीं है दूर दूर तक, तो दिक्कत होगी। और भाई साहब इस जगह के बारे में काफी सारी चीजें मुझे पता लगी, वहां पे लोकल से बात करी मैंने, तो लोग बता रहे थे कि भाई वो जो स्टैचू था ना, वो यहाँ पे एक ट्राइब होती है लिम्बो ट्राइब, जो कि नेपाल में भी होती है और इस जगह भी होती है सिक्किम में, लिम्बो ट्राइब। तो लिम्बो ट्राइब के जो लिपि होती है, जो लैंग्वेज होती है, उसके फाउंडर हैं वो, उन्होंने वो लिपियाँ बनाई थी। और ये जो वेस्ट सिक्किम का पार्ट है ना, जहाँ पे मैं अभी हूँ, ये वाला जो पार्ट है वेस्ट सिक्किम, ये कभी नेपाल के अंडर आया करता था। नेपाल के राजा ने यहाँ के राजा को, जो कि भुटिया था, उसको ये जगह गिफ्ट में दी थी, गिफ्ट में बोल लो या दहेज में बोल लो, बोल दी थी, क्योंकि जो यहाँ के राजा की जो शादी हुई थी वो नेपाल की लड़की से हुई थी, मतलब नेपाल की रानी थी वो जिससे शादी हुई थी। हर टाइम पे आ गई क्या नॉर्थ ईस्ट भाई साहब, यहाँ तो मानसून स्टार्ट हो गया है, बता रहे हैं कि 5 से 10 दिन बाद तो यहाँ पे इतनी भयंकर बारिश होगी कि आप टिक नहीं पाओगे। भाई साहब मेरे को लग रहा था ना कि मेरी जो सिक्किम राइड है भाई बड़े आराम से निकल जाएगी, नेपाल हमने काट लिया ना, स्वर्ग काट लिया, क्योंकि नेपाल की जो ऑफ रोडें थी उसने तो भाई लेनी देनी कर रखी थी, लेकिन मुझे लग रहा भाई मेरी नॉर्थ ईस्ट की राइड इतनी इजी नहीं रहने वाली। पहला ही दिन है आज नॉर्थ ईस्ट राइड का, और पहले ही दिन भाई साहब हम एक पेड़ के नीचे छुप के बैठे हैं क्योंकि बारिश तेज आ रही है। जब बारिश ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, तो मैं दादी जी के घर पे आ गया हूँ, इन्होंने मेरे को यहाँ पे बैठा लिया। दादी नमस्ते, कहते हैं आप,
ठीक है राम्रो हेलो क्या नाम है आपका मुइन मी लिंबू मुइन 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 लिंबू ओके कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम कौन सा क्लास 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 वन अरे वाह बड़ा हो गया लिंबू लिंबू बड़ा है हाँ नमस्ते अंकल कैसे हैं आप बढ़िया ये बारिश आज ही स्टार्ट हुई है कि पहले से हो रखी है आज स्टार्ट हुआ है आज ही स्टार्ट हुआ है मतलब मेरा भी आज पहला ही दिन है सिक्किम में गलत टाइम पे आया क्या मैं अभी मानसून ऐसे ही रहेगा क्या यहाँ पता नहीं पता नहीं भाई क्या होगा क्या होगा देखा जाएगा जो भी होगा अच्छा ही होगा जो भी होगा ऊपर वाला का इच्छा है हाँ जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है चलो भाई बारिश ना थोड़ी सी रुक गई है अब यहाँ से अपने को निकलना चाहिए क्योंकि कैंपिंग के लिए जगह देखनी है और गिरना चाहिए ओके ओके आंटी जी नमस्ते ओके भाई बाय बाय हाँ लो लो फोटो लो ओके सुनील छेत्री बाय बाय भाई साहब पहाड़ों में ना बारिश के बाद का जो मौसम होता है ना मैं बता रहा हूँ आप ना मतलब फील कर सकते हो वेदर वीडियो में देख के इतना प्यारा मौसम हो रहा है ऐसे में कैंपिंग लोकेशन मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो ना अंकल आंटी के घर से निकल के मैं ना थोड़ा सा नीचे आया था यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मेरे को दिखा मुझे ना ठंड लग रही थी तो मैंने सोचा कि कुछ खा लेते हैं तो यहाँ पे मैं खाने के लिए रुका तो यहाँ पे मुझे दिखा एक ग्रुप भाई साहब ये लोग ना बढ़िया माहौल बना रखा है बड़ा डांस वांस कर रहे हैं गाने वाने गा रहे हैं तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड करके आपको भी दिखाते और अपने मोमोज भी आ गए मोमोज खाते हैप्पी बर्थडे भाई अगेन तो भाई का बर्थडे है भाई मेरे को बोल रहे थे कि आप बियर पियो कोल्ड ड्रिंक कुछ लो मैंने कहा भाई मैं बियर ड्रिंक वगैरह नहीं करता हूँ तो भाई ने मेरे को ना रेडबुल ला के दिया भाई कह रहा है कि मेरा बर्थडे है तो आप ऐसे सूखे सूखे नहीं जाओगे मेरा नाम डॉक्टर जेरी है क्या नाम है डॉक्टर जेरी डॉक्टर डॉक्टर जेरी जेरी आज मेरा बर्थडे हुरुम्बू रेस्टोरेंट हुरुम्बू रेस्टोरेंट ओनर भैया लो जी एक चीज नहीं और पता लगी डॉक्टर साहब हमारे सब्सक्राइबर है वैसे इन्होंने नहीं पहचाना चैनल देख के कह रहे हैं मैंने तुम्हारा चैनल देखा हुआ है और उसके बाद दीदी भी कह रही है कि हमने आपके व्लॉग्स देखे हुए हैं दीदी कौन से व्लॉग देखे हैं आपने नेपाल के देखे हैं तो भाई जी अभी तक तो मैंने आपको जेरी भाई से मिलाया अब जेरी भाई की पार्टी में जो सारे लोग आ रखे हैं उनसे मिलवाता हूँ आपको जेरी भाई का बर्थडे तो कमेंट बॉक्स में भाई जेरी भाई का हैप्पी बर्थडे हो जाए ठीक है और भाई साहब सारे लोग अब भाई आपका नाम लहांग मेरा नाम सुदेश आपका विमल छेत्री सूरज लिंबू दीपेंद्र लिंबू दीपेंद्र लिंबू लिंबू आप अभी प्रधान हाँ अभी प्रधान अभी प्रधान प्रधान ओके और ये हमारे जेरी भाई बर्थडे बॉय जब देख लो मतलब ये सिक्किम है मतलब मैं एक रेस्टोरेंट में मोमोज खाने के लिए निकला था बैठा था और भाई का बर्थडे भाई ने मेरे को इनवाइट किया भाई ने मेरे को रेडबुल ऑफर करी भाई ने ड्रिंक भी ऑफर करी लेकिन ड्रिंक मैं नहीं करता मैंने रेडबुल पी है बाकी भाई सब बहुत अच्छा लगा भाई सिक्किम में मेरा पहला दिन आज वैसे दूसरा दिन है कल भी मेरे को बहुत अच्छे लोग मिले थे सिक्किम में जिनके घर में मैं रुका था और आज भी इतने अच्छे लोग मिले हैं ग्रुप फोटो भी लेते हैं भाई मैंने व्लॉग एंड किया सबने तालियां बजा दी तो मैं दोबारा स्टार्ट कर दिया
अपना अपन ना जहाँ पे भाइयों के साथ में अपन लोग पार्टी वगैरह कर रहे थे ना, हम लोग आज वहीं स्टे कर रहे हैं। भाई ने अपने घर की चाबी मेरे को दे दी। अभी मेरे को भाई लोग ना सारे लेके जा रहे हैं खाना खिलाने के लिए। ओके भाई साहब, रेस्टोरेंट भी बंद हो गया था, भाइयों ने ना फोन करके रेस्टोरेंट खुलवाया, अब वो ताला खोल रहे, उन्होंने बंद कर दिया था सारा। तो भाई जी हमारा ना डिनर आ गया, और डिनर में भाई साहब राइस है, दाल है, और ये क्या ये साग है, साग है और सब्जी है, और ये नहीं, और ये डल्ले खुर्सानी भाई साहब, बड़ी खतरनाक चीज है, इसको साइड में रखते हैं। भाई साहब ये डल्ले खुर्सानी मैंने नेपाल में बहुत खाई है, मतलब होटो में भी जलन लगती है इसको खा के यार। चलो खाना खाते हैं, उसके बाद बाकी तुम लोग नहीं खा रहे हो आप लोग? विमल भाई कसम से क्या खाना नहीं खा रहे तुम? खाना में यहाँ पर खाया तो घर में कौन खाएगा? ओके जेरी भाई तुम नहीं खा रहे? नहीं अभी नहीं खाए। अभी तुम भी अभी नहीं खाएगा? नहीं, मैं अकेले अकेले खाएगा। ओके तो भाई सारे भाई लोग जा रहे, बाकी के भाई लोग तो चले गए। अब ये तीन लोग थे, अब ये लोग मेरे को खाने खिलाने के लिए गए थे, अब ये तीनों भाई लोग जा रहे। भाई साहब मतलब देखिए, मैं इतनी दूर अपने घर से हूँ और किसी ने अपना घर पूरा मेरे को छोड़ दिया। ठीक है, तो अभी के लिए इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा है तो कॉमेंट करके बताओ कि ब्लॉग में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, उस पर हम काम करेंगे।